दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी सटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की 39 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तर प्रदेश की 39 शिक्षक भर्ती मुहूर्त सूची जारी होने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने लेकर के बात करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट अब तक पहुँच रहे। चलिए फिर कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग आपको जो मैटर है इसमें चेंजमेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो कोड में जो है चेंजमेंट हुआ है। अब यहाँ पर सिंगल बेंच में यहाँ पर जो है जो कोड नंबर 4 बैठ रही थी उसमें यहाँ पर जो राजेंद्र दास सर की जगह यहाँ पर जो है राकेश श्रीवास्तव सर बैठेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो अब आपका मैटर जो है वो राकेश श्रीवास्तव सर की बेंच में सुना जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है ये जो जज साहब हैं ये भी काफ़ी सुलझे हुए जज साहब हैं। और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो सरकार की तरफ से और यहाँ पर जो है अधिवक्ताओं की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जो है इस मैटर को किसी न किसी प्रकार से 13-156 से अलग कर दिया जाए। जैसे कि विभाग इस प्रकार कर रहा है कि विभाग कहना है कि हम सबसे पहले इस मुद्दे को 13-156 से अलग कर देंगे क्योंकि ये मुद्दा जो अलग है और इसको अलग करने के बाद हम इस पर नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी जो कार्यक्रम है वो आगे जारी कर देंगे। अगर यहाँ पर हम इस पर काम हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को 12 तारीख के बाद कुछ इस पर पॉजिटिव दिखाई देगा। यानी बस विभागीय अधिकारियों को यही करना है, 1 महीने पहले से यही करना है कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं और जो 12 तारीख को सुनवाई होने वाली है उस पर यहाँ पर जो हम अपना पक्ष जो है पूरी मजबूती से रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो कोर्ट के बाहर या कोर्ट के अंदर किसी भी कार्य से यहाँ पर जो है हम इन अभ्यर्थियों के साथ हैं और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अवश्य मिलेगा, हर हाल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा उठा था गोरखपुर वाला वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहा इन अभ्यर्थियों ने जो यहाँ पर जो 800 के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि विभागीय अधिकारी बार बार ये कहते रहते लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट में डेट लगती है तो ज़्यादा सुनवाई होती है और बाद में अगली डेट लग जाती है, लेकिन इस बार जो है अधिकारियों का कहना है क्योंकि अधिकारियों की इस बार जो फटकार भी लगी है माननीय मुख्यमंत्री सर से, तो अधिकारियों का कहना है कि हम इसके लिए तत्पर हैं और जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में यहाँ पर जो है हम कार्य कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है मुद्दा कोर्ट में है, इसलिए यहाँ पर जो हम कोर्ट से बाहर किसी भी कार्य से यहाँ पर जो है निकाल करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में कार्य कर रहे हैं। और इस पर यहाँ पर जो है सहमति भी बन गई विभागीय अधिकारियों के, विभागीय कहना है कि यहाँ पर जो है हमने सब पूरा तैयार कर लिया है और 12 तारीख को किस प्रकार से यहाँ पर जो पक्ष रखना है हमने पूरा तैयार कर लिया है खाका और 12 तारीख को आपको कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। वहीं एक हाईकोर्ट के का सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है, यहाँ पर लिखा गया है आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने समान श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उसे समान श्रेणी की सीट पर समायोजित किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ये कहना है कि अगर किसी अभ्यर्थी का यहाँ पर जो है समान अभ्यर्थी से ज़्यादा अंक है वो रिजर्व कैटेगरी में आता है तो उसको एज ए अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी दावा है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर जो है इसमें इस बारे मुद्दे में जो बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से ये लिस्ट निकाली गई, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि अगर कोई अभ्यर्थी समान अभ्यर्थी से अधिक अंक पाता है तो वो समान श्रेणी में हकदार होगा और वो समान श्रेणी में ही समायोजित किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी एस रतनाना की पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी भी अनारक्षित श्रेणियों अनरिजर्व सीटों में दावा कर सकते हैं यदि उनकी योग्यता और योग्यता सूची में स्थिति उन्हें ऐसा करने का अधिकार देती है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो उनका कहना है कि अगर उनके अंक जो हैं और जो उनकी योग्यता है वो अगर अनारक्षित वर्ग को क्रॉस करती है तो वो अनारक्षित वर्ग में जा सकते हैं, ये अधिकार है उनका, ठीक है। प्रस्तुत मामले में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण जोधपुर ने एक उम्मीदवार की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि ओबीसी श्रेणी से संबंधित उन अभ्यर्थियों को समान श्रेणी की सीटों के खिलाफ समायोजित करने की आवश्यकता थी और इस प्रकार ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें थी, शेष आरक्षित सीटों के उम्मीदवार द्वारा योग्यता के आधार पर भरा जाना आवश्यक है। यानी अब जो बाकी सीटें बचेंगी उसको उस योग्यता के साथ जो उनके नीचे अभ्यर्थी आएंगे उस कैटेगरी के अभ्यर्थी आएंगे उनके द्वारा भरी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर जो हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है,